ଭାରତ ସେନା ସମ୍ପର୍କରେ ରାହୁଲ ଗାନ୍ଧୀ ଦେଇଥିବା ବକ୍ତବ୍ୟକୁ ନେଇ ବଢ଼ିଲା ବିବାଦ। ବିଜେପି କହିଲା ଚୀନର ଭାଷା କହିଥାନ୍ତି ରାହୁଲ ଗାନ୍ଧୀ। ଅରୁଣାଚଳ ପ୍ରଦେଶ ତାଇୱାଙ୍ଗଠାରେ ଭାରତ ଓ ଚୀନର ସେନା ମଧ୍ୟରେ ହୋଇଥିବା ସଂଘର୍ଷ ମାମଲାରେ କଂଗ୍ରେସର ପୂର୍ବତନ ସଭାପତି ରାହୁଲ ଗାନ୍ଧୀ ଭାରତୀୟ ସେନା ବିପକ୍ଷରେ ବିବାଦୀୟ ବକ୍ତବ୍ୟ ପ୍ରଦାନ କରି ଫସି ଯାଇଛନ୍ତି। କଂଗ୍ରେସ ଦଳର ଅନ୍ୟ ନେତାମାନେ ଏହି ପ୍ରସଙ୍ଗରେ ଅତ୍ୟନ୍ତ ବୁଝିବିଚାରି ସନ୍ତୁଳିତ ବକ୍ତବ୍ୟ ଦେଉଥିବା ବେଳେ ରାହୁଲ ଗାନ୍ଧୀ ଭାରତୀୟ ସେନା ସମ୍ପର୍କରେ ଦେଇଥିବା ବକ୍ତବ୍ୟକୁ ନେଇ ବର୍ତ୍ତମାନ ସବୁଆଡ଼େ ଚର୍ଚ୍ଚା ହେଉଛି। ସୋସିଆଲ ମିଡିଆରେ ଏଥିପାଇଁ ଲୋକମାନେ ରାହୁଲ ଗାନ୍ଧୀଙ୍କୁ କାଠଗଡ଼ା ଠିଆ କରାଇଥିବା ଦେଖିବାକୁ ମିଳିଛି। जो हमारे जवानों को अरुणाचल प्रदेश में पीट रहे हैं। जो राहुल गांधी ने जो कहा था कि चाइनीज आर्मी ने इंडियन आर्मी को पीटा है, एक्चुअली राहुल गांधी ने जो भी बोला गलत बात बोला, इसका सही नहीं है, इलीगल है जो बोला, मुझे सही नहीं लगा अपना इंडियन आर्मी को लेकर। राहुल गांधी ने जैसे कि आज वो बयान दिया है तो मेरा ख्याल से वो तो बिल्कुल गलत है, क्योंकि हम लोग सब मतलब जानते हैं कि अपना इंडियन आर्मी को लेकर हम लोग बहुत प्राउड है ना, मतलब बिना देख के एकदम ब्लाइंडली कुछ नहीं बोलना चाहिए ना, पहले देख के मतलब अपना इंडियन आर्मी नहीं भगाया था तो हम सब प्राउड फील करते हैं, ऐसे गलत बात नहीं बोलना चाहिए आर्मी के खिलाफ ना, इंडियन आर्मी। ओ जो राहुल गांधी ने बयान दिया है वो गलत दिया है, तो हम लोग तावांग वासी इंडियन आर्मी को बहुत प्राउड फील कर रहा है। इंडियन आर्मी का वजह से हम लोग यहाँ तावांग का वासी पूरा सेफ्टी है। यही प्रसंग रे भारतीय जनता पार्टी अत्यंत आक्रमणात्मक आभिमुख्य देखाई। ବିଜେପି ଦଳର ଜାତୀୟ ସ୍ତରର ନେତାମାନେ ଏହି ପ୍ରସଙ୍ଗକୁ ନେଇ ରାହୁଲଙ୍କୁ ଆକ୍ରମଣ କରିଥିବା ବେଳେ ବିଜେପି ଦଳ ରାଷ୍ଟ୍ରୀୟ ସଭାପତି ଜେପି ନଡ୍ଡା ଏହି ମାମଲାର ଅତ୍ୟନ୍ତ କଡ଼ା ବକ୍ତବ୍ୟ ଦେଇଛନ୍ତି। ସେ କହିଛନ୍ତି ଯେ ରାହୁଲ ଗାନ୍ଧୀ ସବୁବେଳେ ଆମର ସେନା ମନୋବଳକୁ ଭାଙ୍ଗିବାର କାମ କରିଥାନ୍ତି। ସେ ଆହୁରି କହିଛନ୍ତି ଯେ ରାହୁଲ ଗାନ୍ଧୀଙ୍କ ବକ୍ତବ୍ୟରେ ଯେତେ ଅଧିକ ନିନ୍ଦା କଲେ ତାହା କମ୍ ହେବ। ଭାରତ ସେନା ଶୌର୍ଯ୍ୟ ଓ ପରାକ୍ରମ ପ୍ରତୀକ ଅଟେ। ଯେବେ ଯେବେ ଭାରତ ଉପରେ କୌଣସି ସଙ୍କଟ ଆସିଛି ସେବେ ସେବେ ଭାରତୀୟ ସେନାର ଦେଶର ସୁରକ୍ଷା ଲାଗିଛି। ସେ କହିଛନ୍ତି ଯେ ଚୀନର କମ୍ୟୁନିଷ୍ଟ ପାର୍ଟି ସହିତ କଂଗ୍ରେସ ଦଳ ଏମ୍ଓୟୁ କରିଛି। ଆମେ ଜାଣିଛୁ ଯେ ରାଜୀବ ଗାନ୍ଧୀ ଫାଉଣ୍ଡେସନକୁ ଚୀନର ଦୂତାବାସ ଅର୍ଥ ପ୍ରଦାନ ଓ ଫଣ୍ଡିଂ କରୁଛି, ବୋଧହୁଏ ସେଥିପାଇଁ ରାହୁଲ ଗାନ୍ଧୀ ଚୀନ ଓ ପାକିସ୍ତାନ ଭାଷା କହିଥାନ୍ତି। ବୟାନ ସଚ ମେ ଭାରତ କି ସେନା କା ମନୋବଲ ତୋଡ଼ନେ କା କାମ କରତି ହେ ଔର ଇସକି ଜିତନି ଭି ଭସନା କି ଜାଏ ଜିତନି ଭି ନିନ୍ଦା କି ଜାଏ ଓ କମ ହେ। ଭାରତ କି ସେନା ଅଦ୍ଭୁତ ଶୌର୍ଯ୍ୟ ଔର ପରାକ୍ରମ କି ପ୍ରତୀକ ହେ। जब जब देश पर संकट आया है भारत की सेना मुस्तैदी के साथ देश की सेवा और रक्षा में लगी रही है। हम सब लोग जानते हैं कि कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ चाइना ने कम्युनिस्ट पार्टी के साथ एमओयू साइन किया और हम यह भी जानते हैं कि चीनी दूतावास ने राजीव गांधी फाउंडेशन को किस तरीके से आर्थिक मदद और फंडिंग की है। शायद यही कारण है कि राहुल गांधी बार बार चीनी भाषा और पाकिस्तान की भाषा बोलते हैं। से आहुरी कहिछन जे भारत सेना जेतो डोकलामरे थिला सेतो राहुल गांधी चुपचाप चीन दूतावास को जाई सेमानकर अधिकार मानक भेटुथिले। से सर्जिकल स्ट्राइक ऊपर प्रश्न उठाइथिले। से भारतर भाषा न कहि चीन और पाकिस्तान भाषा कहि थांती। अन्य पक्षरे बीजेपी रे अन्य जने नेता मंजेदर सिंह सिरासा मध्य एही प्रसंग रे राहुल को टार्गेट करिछंती। ସେ କହିଛନ୍ତି ଯେ ରାହୁଲ ଗାନ୍ଧୀ ସେନା ପ୍ରତି ବକ୍ତବ୍ୟ ଅତ୍ୟନ୍ତ ନିନ୍ଦନୀୟ। ଯଦି ସୋନିଆ ଗାନ୍ଧୀ ଓ ପ୍ରିୟଙ୍କା ଗାନ୍ଧୀଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ତିଳେ ହେଲେ ଦେଶଭକ୍ତି ଭାବନା ଅଛି, ତେବେ ସେମାନେ ତାଙ୍କର ପୁଅ ଓ ଭାଇଙ୍କୁ କାନମୋଡ଼ି ଓ ପିଟି ପିଟି ରାହୁଲଙ୍କୁ ଦେଶଭକ୍ତିର ପାଠ ପଢ଼ାନ୍ତୁ। ରାହୁଲ ଗାନ୍ଧୀ ନେ ଆଜି ଏକ ବହୁତ ହି ଘଟିଆ କିସ୍ମ କି ଗନ୍ଦୀ ଷ୍ଟେଟମେଣ୍ଟ ଦେକର ଜିସମେ ଓ ୟେ କହ ରହେ ହେଁ କି ଭାରତ କି ବାହାଦୁର ସେନା ଚାଇନା କେ ଆର୍ମି ସେ ଅରୁଣାଚଳ ମେ ପିଟ ରହି ହେ। इससे घटिया किस्म की कोई स्टेटमेंट नहीं हो सकती। राजनीति में सबसे निचले स्तर की ये भाषा और स्टेटमेंट है। हमारी बहादुर आर्मी के बारे में ऐसा बोलना और वो भी गंदी राजनीति करने के लिए। मैं ये जरूर कहना चाहता हूं, अगर सोनिया गांधी और प्रियंका गांधी में वाकई कोई एक अंश भी देशभक्ति का बचा है तो जैसे भारतीय सेना ने चीन की सेना को दौड़ा दौड़ा कर पीटा, इसी तरह उनको भी अपने बेटे और भाई को जूतों से पीटना चाहिए इसी तरह, ताकि इसकी अकल टिकाने आए और इसको पता चले कि देशभक्ति क्या होती है। उसकी माँ का फर्ज बनता है अपने बेटे को देशभक्ति सुनाना, उसकी बहन का फर्ज बनता है अपने भाई को देशभक्ति सिखाना। ब्यूरो रिपोर्ट, ऑगस्ट न्यूज़।